इसराइल ने पहले हमास के मुखिया इस्माइल हानिया को निपटा दिया और अब उनके उत्तराधिकारी याया सिनवार को भी राफा में ढेर कर दिया। सिनवार की मौत के बाद इसराइल इसे अपनी एक बहुत बड़ी जीत मान रहा है। वहीं दूसरी तरफ लेबनान का हिजबुल्ला नसरल्ला की मौत के बाद घायल शेर की तरह इसराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हिजबुल्ला ने युद्ध शुरू होने के बाद से इसराइल के भीतर कई बड़े हमलों को अंजाम दिया, जिसमें आईडीएफ को तगड़ा नुकसान हुआ है। और इसी कड़ी में अब हिजबुल्ला के लड़ाकों ने आईडीएफ पर एक बहुत बड़ा अटैक किया है। दरअसल इजरायली ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अनुसार लेबनान के बॉर्डर इलाके में एक गांव के भीतर एक बिल्डिंग पर आईडीएफ के जेट्स ने कई बार हमले किए थे और उसके बाद छानबीन करने के लिए बिल्डिंग में जब इजरायली सैनिक घुसे तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पहले से ही हिजबुल्ला के लड़ाके मौजूद थे, लेकिन किसी तरह वो बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए और वहां से उन्होंने आईडीएफ के जवानों के ऊपर फायरिंग कर दी। इस हमले में एक कंपनी कमांडर समेत 5 इजरायली अधिकारियों के मारे जाने की खबर है और बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से 9 गंभीर रूप से घायल हैं। इसी बीच खबरें ये भी हैं कि हिजबुल्ला की सबसे इलीट राडवान फोर्स ने जंग के मैदान में एंट्री कर ली है, जिससे युद्ध के अब और भी ज्यादा भीषण होने की आशंका जताई जाने लगी है। आपको बता दें कि जब हिजबुल्ला के लड़ाकों ने ये हमला किया तो उस वक्त राफा के अल रायान इलाके में अल कासिम ब्रिगेड ने भी आईडीएफ के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया। अल कासिम ने यहाँ पर इजरायली सेना के रास्ते में बारूद बिछाकर उसे उड़ा दिया। अल कासिम ब्रिगेड ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि दूर आईडीएफ के कई सैनिक पैदल चल रहे होते हैं और उनके आसपास काफी मलबा रहता है। और इसी बीच हमास का एक लड़ाका एक पर्चे पर आईडीएफ की पोजीशन को चिन्हित करता हुआ दिखता है। और फिर ये लड़ाका आईडीएफ के जवानों को टारगेट पर लेता है और उसके कुछ ही सेकंड बाद जमीन के नीचे से जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसमें चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। इसके बाद आईडीएफ के जवान वहां से भागने लगते हैं। और इस हमले के बाद अल कासिम ने पश्चिमी जबालिया कैंप के अल फलूजा इलाके में आईडीएफ की 2 बख्तरबंद गाड़ियों पर अल यासीन 105 गोले दागे। अल कासिम का कहना है कि उसने जबालिया कैंप में आईडीएफ के ऊपर एक और बहुत बड़ा हमला किया। यहां पर अल कासिम के लड़ाकों ने इजरायली पैदल सेना के ऊपर टीबीजी गोलों से हमला किया। अल कासिम का दावा है कि उसने इजरायली सेना के ऊपर बेहद ही करीब से हमला किया है। आपको बता दें कि अल कासिम के हमलों के बीच लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्ला के लड़ाकों ने भी मोर्चा संभाल रखा था। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने किरयत शमोना पर रात के अंधेरे में रॉकेटों का एक जत्था फायर किया और इस हमले के बाद उसने अल लबोने हाइट्स पर गाइडेड मिसाइल से आईडीएफ के एक मरकावा टैंक पर हमला कर दिया। हिजबुल्ला का दावा है कि इस हमले में टैंक के चालक दल को तगड़ा नुकसान हुआ है। और इसके तकरीबन एक घंटे बाद फिर से इसी इलाके में हिजबुल्ला ने एक और मरकावा टैंक पर गाइडेड मिसाइल फायर कर दी और इसके बाद सुबह होते होते हिजबुल्ला के लड़ाकों ने आईडीएफ के ऊपर सदाना इलाके में इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर कई राउंड्स रॉकेट हमले किए। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इसके बाद बरख्ता फार्म्स में भी आईडीएफ के जमावड़े पर रॉकेट बरसाए हैं और इस हमले के दौरान ही फिर से सुबह करीब 9 बजे अल लबोने हाइट्स में 2 मरकावा टैंकों पर गाइडेड मिसाइलें दाग दी।